आयुर्वेद में मल का महत्व क्या है, मलायतनम मलायतम ही जीवनम, यह विषय पे आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि ना हमारे पास ना अनेक व्याधियों के साथ पेशेंट आते हैं और हमें ना एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है हर व्याधि को, हर मतलब किस तरह से की दुष्टि हुई है, क्या उसमें विकृति हुई है, दोष दुष्ट समूर्छना कैसे हुई है, यह हमें जानना तो बहुत जरूरी होता है। और आयुर्वेद में जब भी हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत में वाग्भट में ऐसा ही बताया है कि दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, तो हम दोषों के बारे में देखते हैं कि वात पित्त कफ तीन दोष हैं, फिर धातु देखते हैं तो रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा शुक्र, और मल भी जो रहता है, लेकिन मल जो रहता है बहुत ज्यादा घृणा जैसा शब्द वाला होता है, इसलिए उस पर हम लोग को ध्यान हम देते हैं लेकिन उस पर इतना चिकित्सा और ये सब नहीं देखते हैं। अगर मलों को देख के अगर हम लोग, क्योंकि मूल बताए दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, मतलब जिस तरह से पेड़ होता है पेड़ का जड़ होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से मल जो रहता है प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो अपना कार्य करते हैं, और अगर मल ही उसकी वृद्धि हो गई क्षय हो गया तो, या फिर मल अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं, जैसे कि अर्श व्याधि है, अगर मल अच्छे से नहीं साफ हो रहा है तो अर्श व्याधि होती है, उदर व्याधि है, प्रमेह व्याधि है, ये सब मल के विकृति से ही होती है। तो अगर सपोज अपान वायु रोज नहीं निकल पा रहा है, जो मल रूप में कटु अवस्था भाग से बना हुआ जो अपान वायु है वह निस्सरण नहीं हो रहा है, और वह अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पेशेंट लेट उठ रहा है तो वह जाके सिर में जाता है और सरदर्द का कारण होता है या प्रतिक्षय का कारण होता है। तो हमें मलों पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और मलों के हिसाब से शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि सम धातु सम दोष सम समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थ इत्यभि दीयते, तो मल क्रिया जो है वह भी प्राकृत होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ना मैं आज का जो विषय है वो मलों को ध्यान में रखते हुए मैं ही बताऊंगा, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, और मैं एक भाग आज बताऊंगा एक भाग में बाद में और बताऊंगा। तो आज जो मल के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो जब हम लोग ये देखते हैं कि दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, तो दोषों के बारे में वो जो घटक है वात पित्त का वो हम लोग देखते हैं, फिर धातु हम लोग देखते हैं, मल जो है मल जो रहता है अगर उनकी क्रिया अच्छे से हो रही है शरीर में तो उसके वजह से शरीर में जो समयोगवाहित्व मतलब कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो रहा होता है, और इसके वजह से अब ये मल जो है वो वेस्ट है जो शरीर से निकलना चाहिए रोज, लेकिन कुछ मल का भाग जो है वो शरीर में रहता भी है और समय आने पर ही बॉडी उसको एक्सक्रीट करती है बाहर निकलती है। अगर ये जो हम लोग आहार खा रहे हैं और मल निकलना वेस्ट प्रोडक्ट निकलना अगर ये अच्छे से कोऑर्डिनेट हो रहे तभी शरीर का अच्छे से वृद्धि हो सकेगा, शरीर का विकास हो सकेगा, शरीर का पोषण हो सकेगा, शरीर को धारण करने की शक्ति अच्छी रहेगी, यह प्राकृतिक रूप से अगर होता है तभी होता है। अगर हम लोग दोषों के बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि दोष क्या है, तो वात पित्त कफ है, तो ये क्या करते हैं रेगुलेटिंग एंड फंक्शनिंग मैकेनिज्म रहते हैं, मतलब ये रेगुलेट करते हैं पूरे शरीर की क्रियाओं को और ये फंक्शन करते हैं। उसी तरह से धातु वर्ग जो है वह धातु जो वर्ग है वो क्या करता है कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्शन करता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें क्या होता है, तो हमें सीमेंट चाहिए, फिर उसके बाद बालू चाहिए, उसके बाद में खड़ी बजरी जो बोलते हैं वो चाहिए, स्टील चाहिए, ईंटें चाहिए, तो इन सब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है। उसी तरह से जो धातु है वह कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल रहता है और सपोर्टिंग मैकेनिज्म उसका उस पर काम करता है, मतलब सपोर्ट भी करता है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनाने का जो पिलर होता है वह क्या होता है कि वो पिलर के आधार पर ही बिल्डिंग खड़ी रहती है, अगर पिलर कमजोर है तो बिल्डिंग नहीं रह पाएगी, इसी तरह से सपोर्ट करने का काम धातु करता है और कंस्ट्रक्शन बॉडी का कौन करता है तो धातु करता है। और मैंने पहला बताया कि दोष क्या करते हैं, तो फंक्शनिंग यूनिट है, फंक्शनिंग और रेगुलेटिंग रेगुलेट करता है हर क्रियाओं को मतलब और मैकेनिज्म को और फंक्शन करता है, और अगर मल देखेंगे तो ये एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है, यह ना एक्सक्रीशन होता है विसर्जन क्रिया किया जाता है। अब मल जो है वो तीन भाग, ऐसे तो स्थूल और सूक्ष्म मल बहुत हम लोग देखेंगे तो बहुत हमें पता चलेगा उस पे सूक्ष्म अध्ययन किया जाए, लेकिन अपने आचार्यों ने मल मूत्र और स्वेद ये तीन बताए, मल को पुरुष भी कहा गया है शकृत भी कहा गया है, तो ये मल है मूत्र जो है वो यूरिन है अपना, और स्वेद है वह पसीना है जो स्वेट निकलता है, इसके अलावा भी ख मल बहुत रहता है, कान के अंदर जो मल रहता है वह ख मल है, आंखों के पास रहता है, नाक का सिंघाणक रहता है, और मतलब बहुत सारे मल रहते हैं उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा।
तो मल को समझना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक जो शरीर है, कोई भी मनुष्य का शरीर है या कोई मैमेलियंस जितने भी हैं, स्तनधारी प्राणी हैं, उनके शरीर में कोई खाता है और खाने के बाद पाचन क्रिया होती है, सारकट विभाजन होता है। सार भाग मतलब अच्छा चीज़ बॉडी प्रसाद भाग को एक्सेप्ट करती है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है वह फेंक दिया जाता है, मतलब शरीर से एक्सपेल कर दिया जाता है। और इसीलिए इसको मलिनीकरणात् मलाहा, यह शरीर को मलिन करता है, मतलब ये खराब चीज़ होता है और ये मलिन करता है, इसलिए इसको निकाल देना जरूरी है। अगर मल अच्छे से नहीं निकलेगा तो बहुत सारे व्याधि होते हैं, बीपी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पूरा सिस्टम ही खराब हो सकता है। इसलिए मल को निकलना ही बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से शरीर अपने आप प्राकृतिक रूप से हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप मल त्याग होने की संवेदना होती है, वह अपने आप ही होता है, ये ऐसा शरीर ही बना है। उसी तरह से यह मलिन करते हैं, मलिनीकरणात् मलाहा, मतलब यह मल जो है शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसको मल बोला जाता है। और एक और डेफिनेशन बताइए मल की, निरुक्ति क्या बताइए, मृद्यते मृज्यते शोध्यते शरीरम अनेन इति मलह, जो शरीर जो है वह अपना शरीर का शोधन करता है, अपनी तरफ से गंदगी को निकालता है, और जो चीज निकल रहा है उसको हम मल बोलते हैं। मृज्यते मतलब निकलने वाला चीज, और शोध्यते मतलब शोधन होने वाला चीज, जो शरीर ऐसा करता है वह उसको मल कहा जाता है। उसी तरह से मल भाग जो रहता है वह स्थूल रूप में क्या रहता है, तो पुरुष के रूप में रहता है, मूत्र के रूप में रहता है और स्वेद के रूप में रहता है। इसी तरह से सूक्ष्म मल जो रहता है वह क्लेद के रूप में रहता है, शरीर में जो पानी पानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में जो निकल रहा है वह जो है सूक्ष्म मल रहता है। उसी तरह से धातुगत भी मल रहता है, धातुओं का हर धातु का कुछ ना कुछ मल निकल रहा होता है, क्योंकि वहां पर धात्वग्नि की क्रियाएं हो रही है, तो रस की अग्नि पे काम हो रहा है, तो रस से रक्त मतलब आहार रस से रस धातु को पोषण मिल रहा है। फिर उसके बाद में आगे रक्त का अग्नि की क्रिया हो रही है तो रक्त धातु बन रहा है, फिर उसके बाद में मांस की अग्नि की क्रिया हो रही है तो मांस बन रहा है, मतलब हर धातु का अपना एक धातु अग्नि है, तो वहां पर भी सारकिट विभाजन सूक्ष्म रूप से हो रहा है, तो उसका भी मल रूप में कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलेगा ही, और वही सारे सूक्ष्म सूक्ष्म मल जो है वह अपने रक्त वाहिनियों में मिल जाते हैं, और वो बॉडी ऐसा मैकेनिज्म है कि वो फिर मेन जो मल का मलाशय है, पक्वाशय है, वहां पर वो एक्सपेल किया जाता है, और फिर वो मलाशय से पक्वाशय से पुरुषाशय से निकाला जाता है। एक एक सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सूक्ष्म मल है, वह सारा बॉडी एक्सपेल करती है। अब हम लोग अगर देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, तो रस धातु का मल क्या है, तो कफ बोला है, जो म्यूकस एक्सक्रीशन है वह रस धातु का ही, मतलब जो कफ निकलता है वह रस धातु का ही ये बोला जाता है मल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास प्रवाहिका के पेशेंट आते हैं, तो प्रवाहिका में पेशेंट बहुत ज्यादा जोर देता है, प्रवाहन करता है, तो वहां पर म्यूकस प्रोडक्शन होता है। जो अपने लंग्स हैं, लंग्स में भी कोई ना कोई प्रोडक्शन कर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो श्वासकष व्याधि में कफ का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये किससे बना है, तो रस धातु का ही मल है। जब सार्किट विभाजन होता है, आहार रस अलग, आहार रस रस धातु का पोषण, रस की अग्नि हो रही है, तो यह कफ जो है विकृत रूप में। और ऐसा बताया कि प्राकृतोश्लेष्मा बलम मुच्यते, प्राकृत रूप से है तो वो बल रहेगा, और विकृत रूप से है तो वह कोई ना कोई व्याधि करता है अगर उसको रोक दिया जाए, नहीं तो वो नेचुरल वे में निकलते रहता है। इसी तरह से रक्त धातु का मल क्या है, तो मल पित्त है, मतलब मल पित्त मतलब बाइल, जो मॉडर्न थ्योरी बोलता है बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट्स हैं, वह मल पित्त है, जो शरीर पित्त को निकलता है, और यही चीज जो है यह मल, हम जो स्थूल मल निकलता है उसको, ये जो मल पित्त है, मल रूपी पित्त है, वह शरीर को मल को कलर देता है। इसलिए हमारे पास जो पेशेंट रहते हैं उनको नॉर्मल मल का कलर ऐसा आता है, क्यों, क्योंकि रक्त धातु का मल पित्त के रूप में, मल में मिक्स होके और वह निकल रहे हैं। अब जैसे रुत्पत कामला है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उसमें मल पित्त का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और स्त्रोत्रोजन संप्राप्ति होती है, तो वहां पर सफेद तिल पिष्ट निभ मल प्रवृत्ति होती है, मतलब उसको वो कलर ही नहीं दे पाता है, क्योंकि मल रूपी पित्त जो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और फिर हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो वहां पर हम पित्त कफ शामक करते हैं, जो स्त्रोत्रोध को दूर करे, फिर पित्त को ठीक करने का, पित्त का शुद्धि करने वाला ऐसा चिकित्सा करते हैं। जब मल को प्राकृत रंग आने लगता है,
तब इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि वह ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का स्तोत्र ठीक हो गया, और फिर आसानी से हम लोग बहुपित्त कामला जैसे चिकित्सा करके उसको ठीक कर देते हैं। तो ये इसका बहुत ज्यादा महत्व है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रंथकारों ने इसी पे काम करने के लिए पुरुष विरंजनीय गण इस तरह से बताया है। तो पुरुष विरंजनीय गण क्या है कि मल की क्रिया, मल का कलर को चेंज करता है। अभी हमारे हम लोग आहार का सेवन करते हैं, तो वह आहार का जो कलर है वह अलग अलग अवस्था पाक में जाके चेंज होते रहते हैं, और अवयव का भी कलर चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने खाना खाया तो बोधक कफ का कार्य होगा, बोधक कफ का कार्य होगा तो आमाशय में जाएगा तो क्लेदक कफ का कार्य होगा। तो जो अन्न है वह क्लेदन क्लेदन होने की वजह से उसका स्वरूप जो है वह मधुर अवस्था पाक में मधुर हो जाएगा, फेन मुद्दम उदीर्यते ऐसा बताया है। तो इसके वजह से वहां पे कफ कफ जैसा रहेगा अन्न। फिर उसके बाद में जब अम्ल अवस्था पा जाएगा तो वहां पे पित्त धारा कला जो है और यकृत है पैंक्रियास है वो सब अपने जूसेस छोड़ते हैं, तो अन्न जो है वह ये हो जाता है अम्ल हो जाता है, वहां पे अम्ल अवस्था पाक होता है। उसके बाद में वह आगे जाता है तो पक्वाशय में वह कटु अवस्था पाक हो जाता है, और उसका स्वाद जो रहता है वह कटु रसात्मक होता है। तो ये मतलब अन्न जो पचते पचते आगे आगे बढ़ रहा है उसका भी कलर चेंज हो रहा है, उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं। और इसी तरह से और फिर क्या होता है कि मल रूपी पित्त जो है वह भी निकलना बहुत जरूरी है, सार्कित विभाजन जब हो रहा है। तो इसी तरह से मांस धातु का मल क्या है तो ख मल है। कान में क्या होता है, ख मल उत्पन्न होता है। नाक में क्या होता है तो ख मल उत्पन्न होता है। तो इसीलिए बोला है कि एक्सक्रीशन ऑफ आईज ईयर नोज एक्सक्रीशन डिस्चार्ज बाई माउथ। अगर आप सोते सोते सुबह उठेंगे तो बहुत ज्यादा ना यहाँ पर बहुत ज्यादा मल तैयार हो जाता है, और इसीलिए हम लोग वो कुल्ला करके निकालते हैं और ब्रश करते हैं, दांतों में भी वो जमा हो जाता है। तो ये भी क्या है कि ये मांस धातु का ही, क्योंकि पूरा अंदर से अवयव जो बना है म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह तो वह मांस धातु से, तो ये खमल तैयार होता है। अब ख का मतलब है आकाश, आकाश में तैयार होने वाला जो मल है वो खमल के अंदर में आता है। इसी तरह से जो जेनिटिलिया में जो अंदर एक्सक्रीशन होता है वह भी खमल है। इस तरह से हम लोग को मांस धातु का मल इसको समझना चाहिए। मेद धातु का मल क्या बताया तो स्वेद बताया, मेद धातु से ही स्वेद उत्पन्न होता है। अगर मेद बहुत क्षय हो जाएगा या मेद धातु का विकृति हो जाएगा तो स्वेद प्रवृत्ति भी कम ज्यादा होती रहती है, या फिर स्वेद क्षय होगा तो अगर वो अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं तो ज्वर जैसी बड़ी बड़ी व्याधियां बताई हैं। स्वेद स्त्रोत अवरुद्ध हो जाता है और उष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, तो हर हर व्याधि में दोषों का भी इन्वॉल्वमेंट बताया, धातु का भी इन्वॉल्वमेंट बताया, मलों का भी इन्वॉल्वमेंट बताया। कहीं ना कहीं अब जैसे गुल्म व्याधि है उसमें अपान वायु नहीं निकल पाता है तो वह अपान वायु की विकृति है। अगर रक्त पित्त है तो जो मल रूपी पित्त है वह नहीं निकल पाता है और रक्त में मिल जाता है, और उसकी वजह से रक्त पित्त व्याधि होती है। अगर प्रमेह व्याधि देखेंगे तो उसमें भी क्लेद इतना ज्यादा बनता है, जो सूक्ष्म मल होता है वह नहीं निकल पाता है, बॉडी उसको एक्सपेल नहीं कर पाती है और प्रमेह व्याधि हो जाती है। विसर्प व्याधि में बोलेंगे तो वह भी पित्त जो है वो मल रूपी पित्त है वह नहीं निकल पाता, और वह विसर्प त्वचा रक्त मांस लसिका इसको दुष्ट करके तीनों दोषों को प्रकोपित करके और फिर वह विसर्प व्याधि करता है। वात रक्त में जो रक्त रूपी सूक्ष्म मल है और वायु है वह नहीं निकल पाता है और एक्यूमुलेट होके स्थान संचय करके व्याधि उत्पन्न करता है। मतलब हर व्याधि में अगर हम लोग ज्वर से लेके योनि व्यापक तक देखें तो उसमें मल की विकृति तो को हर व्याधि में देखना जरूरी होता है। जैसे कि अगर रज प्रवृत्ति नहीं हो रही है किसी को, मतलब अमेनोरिया हो गया, प्राइमरी हो गया अमेनोरिया, सेकेंडरी अमेनोरिया हो गया, या अति प्रवृत्ति हो रही है, अस्त्रिकधर जैसे कंडीशन है, या सोम रोग जैसे जो पानी जैसा बहुत ज्यादा निकल रहा है, या वाइट डिस्चार्ज निकल रहा है, कोई इन्फेक्शन होकर वाइट डिस्चार्ज निकल रहा है, या फिर वो कंटिन्यू ज्यादा दिन तक आ रहा है तो मेनोरेजिया हो गया, मेटोरेजिया हो गया, रक्त प्रदर की स्थिति आ रही। तो ये मल का भी निकलना ये भी एक सिस्टम रहता है पूरे बॉडी में, उसको भी प्राकृत अवस्था में मल निकलना ही चाहिए। और इसीलिए दिनचर्या अध्याय जब बताते हैं वाग्भटाचार्य तो उसमें कैसे बोलते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे सरसो रक्षार्थम मायुषा, मतलब ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे मतलब सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और किसके लिए उठना चाहिए तो आयु की रक्षा करने के लिए। फिर दूसरा श्लोक क्या बोलते हैं कि शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधिस्तता, सबसे पहले उठने के बाद वो ये नहीं बोलते हैं कि आरती करो भगवान की आरती करो, वो बोलते हैं कि सबसे पहले उठ के शरीर चिंता निवृत्त शरीर की चिंता छोड़ के कृत शौच विधिस्तता, सबसे पहले शौच करो पेट साफ करो और उसके बाद ही, और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो अपने आप पेट साफ हो जाता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं
वह जो टाइम है वो अगर स्किप हो जाता है तो वो मल संचित होता है और फिर उससे क्या होता है, तो स्थूलता होती है, अर्श व्याधि होती है, या फिर प्रमेह होता है, कृमि उत्पन्न होता है, बहुत सारी व्याधियां होती है। इसलिए ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थमाय। अब ये उठने का मतलब ये है कि मल जो है वह निकल जाए पूरा शरीर से, कचरा अगर निकल जाएगा तभी वहां पे आकाश महाभूत वैक्यूम तैयार होगा और फिर भूख लगेगी। भूख लगेगी तो पाचक पित्त का स्राव होगा, फिर हम खाना खाएंगे भूख लगने पर, और फिर वह जो है समदोषा समाग्निशा समधातुमलक रहे, ये आगे प्रोसीजर चलेगा। अगर पेट ही साफ नहीं हो रहा है तो भूख ही नहीं लगे, क्योंकि वैक्यूम में पूरा पूरा आकाश महाभूत तो मल से भरा है, सार किट विभाजन हो गया लेकिन वो मल एक्सपेल ही नहीं हुआ है, पेट पूरा भरा भरा है तो भूख ही नहीं लगती है, और फिर वो पेशेंट और दूसरी व्याधियों में कन्वर्ट होने लगता है, दोष दुष्य समूर्छना बढ़ने लगती है। इसीलिए मल का निकलना दिनचर्या में सबसे पहले बताए, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और फिर सबसे पहले जो काम करना है तो पेट साफ होना चाहिए। जब मल त्याग करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, तो सबसे पहले मल निकलता है, फिर मूत्र निकलता है, और उसके बाद में वायु निकलती है। इस यह रहता है मतलब नॉर्मल अवस्था में, पहले मल निकलेगा फिर मूत्र प्रवृत्ति होगी अगर तीनों आए हैं तो। ये जो टॉपिक है ये मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा महत्व है। क्या महत्व है मैं आगे बताऊंगा। मेद धातु का स्वेद है, तो अगर पसीना अच्छे से नहीं निकल रहा है तो फिर व्याधि हो जाती है। स्वेदनम अस्वेदनम कृतवास्तु परिग्रह, यह किसका है, कुष्ठ रोग का पूर्व रूप में बताया है। स्वेदन अति होना या न होना यह विकृति करता है, वहां पर दोष दुष्य समूर्छना के शुरुआत हो गई होती है। इसलिए स्वेद जो है वो मेद धातु का मेद धातु का मल है स्वेद। उसी तरह से अस्थि धातु का मल क्या है, तो केश लोम और नख नाखून जो है अपने वह अस्थि धातु के मल है। तो इसीलिए जब भी बाल झड़ते हैं खालित्य पालित्य होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अस्थि मज्जा पाचक देते हैं, कुकुटांग त्वक भस्म देते हैं, फिर अस्थि हड़ जोड़ का औषध देते हैं, प्रवाल पंचम जो अस्थि धातु का पोषण करे, तिक्तक क्षीर वस्त्र देते हैं जो अस्थि धातु अस्थि वस्त्र होता है उसको बल दे, इस तरह की चिकित्सा करते हैं, आप लोग को मालूम है। तो इसीलिए और बाल ज्यादा उगना बहुत ज्यादा उगना ये किस में होता है, तो प्रमेह के पूर्व रूप में होता है कि बाल ज्यादा निकलना, फिर तिक्तता लिप्तास्यता मतलब मुंह में पूरा भरा भरा रहना, और फिर आंखों से मल निकलना, कान से मल निकलना, नाक से मल निकलना, मल बहुत ज्यादा बनना, ये सब प्रमेह में बताया है, क्योंकि वहां मल की क्रिया जो रहती है वो विकृत हो जाती है। इसलिए के और फिर ऐसे बता रहे हैं कि जैसे राजयक्ष्मा जैसी व्याधि है उसमें बताते हैं कि जटिली भावम मतलब ये गोल गोल ऐसे जटिल हो जाते हैं, जैसे साधु बाबा के होते हैं ना, ये पूर्व रूप राजयक्ष्मा में होते हैं, और राजयक्ष्मा में मल का रक्षा करने के लिए बताया है, क्योंकि दोष क्षीण हुए रहते हैं, धातु का तो क्षय हुआ ही रहता है अनुलोम गति से प्रतिलोम गति से, और राजयक्ष्मा में केवल मल के आधार पर ही शरीर रहता है, इसलिए वहां पर विरेचन वर्ज्य बोला है। अगर देना है तो मृत्यु अनुलोमन या मृदु विरेचन ऐसे हल्की दवाई देना है, और अग्नि को बढ़ाना है, और फिर अग्नि को बढ़ा के बल बढ़ा के धातुओं को ताकत दे के, और उसके बाद में मृदु शोधन दे के फिर वहां पे धातु परिपोषण क्रिया को ठीक करना है, वहां पे तीक्ष्ण विरेचन के लिए वर्ज्य बोला है। तो इसीलिए केश नो लोम और नख जो है यह अस्थि धातु के मल बताए हैं, और हमें अगर मल जो भी मल है उसमें विकृति हो रही है तो हम लोग अस्थि धातु को अच्छा करने का कोशिश करते हैं। इसी तरह से मज्जा धातु है, मज्जा धातु का क्या है मल बताया है, त्वचा का स्नेह, अगर स्किन पे जो हमारा ये रहता है स्किन सॉफ्ट रहता है तो ये मज्जा का स्नेह है। अगर ये स्किन सॉफ्ट नहीं है, ड्राई पड़ रहा है बहुत ज्यादा, इसका मतलब मज्जा कहीं ना कहीं पे बिगड़ा हुआ है, इसलिए मज्जा को बल देने वाले हमें मज्जा की चिकित्सा करनी पड़ती है। इसी तरह से आंखों का जो मल है वह किसका मल है, तो मज्जा, क्योंकि आंखें जो रहती है वो मज्जा धातु से बनी रहती है और आलोचक पित्त का स्थान है। अब आंखों से जो निकल रहा है वो किस क्या होता है, तो अक्षी का जो मल है, आंखों का मल है वो मज्जा धातु का मल है। इसी तरह से विट स्नेह, अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम ना रोज लैक्सेटिव खाते हैं, मतलब सुख सारक वटी खाते हैं, पेट सफा खाते हैं, कायम चूर्ण खाते हैं, तब हमारा पेट साफ होता है, नहीं तो नहीं होता है। और जो मल प्रवृत्ति होती है वो बहुत हार्ड होती है, कभी कभी लगता है कि पाइल्स हो जाएगा, फिस्चुला हो जाएगा, ये लोग बताते हैं। वो लोग लैक्सेटिव लेते हैं, डलकोलेक्स एलोपैथी का लेते हैं, कैस्टर ऑयल लेते हैं। तो हम लोग आयुर्वेद क्या समझता है कि विट का स्नेह मतलब जो पुरुष में भी स्नेह होना बहुत जरूरी है, और जो एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, वह उनका साइंस गलत है, उनका साइंस नहीं है, ये डॉक्टर लोगों ने अपने मन से बनाया है, उनका साइंस में ऐसा नहीं है।
आयुर्वेद क्या बोलता है कि जितना स्नेहन होगा उतना मल प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, और जो विट का स्नेह है मतलब पुरुष का जो स्नेह है वो कायम रहना चाहिए। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक कोटिंग है ना, वह अपने आप ऐसे चीज प्रोड्यूस करता है कि मल सॉफ्टली निकल जाए। मल का स्नेहांश, मल में स्नेहांश रहना बहुत जरूरी है। अगर स्नेहांश नहीं निकल जाए, रुक्षता आएगी, खरता आएगी, तो गुटली गुटली टाइप बन जाएगा और सिवियर सिवियर से सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसलिए मज्जा का जो मल है वह त्वचा का स्नेह है, स्किन के ऊपर जो स्नेह है वह है, फिर अक्षी का आंखों का जो मल है वह है, उसी तरह से विट स्नेह मतलब जो पुरुष का स्नेह है वह भी मज्जा धातु का ही मल है। उसी तरह अगर मज्जा की विकृति होती है तो वह पुरुष अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वहां पे स्नेहांश की कमी हो जाती है। उसी तरह से शुक्र धातु का मल नहीं है, वह बहुत अच्छा उत्कृष्ट धातु है और इससे ही ओज बनता है, तो इसलिए शुक्र का मल नहीं बताया ग्रंथकारों ने। इसी तरह से बताया कि मलायतनम ही जीवनम, मतलब शरीर इंद्रिय मत इनका जो संयोग रहता है, शरीरेंद्र सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यकश्चानुबंधस्य पराय आयु उच्यते। इनका जो संयोग होता है वही आयु रहता है या जीवन रहता है। अगर ये जीवन सुख पूर्वक रहे तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए आयुष दर्पण के कितने सारे वैद्य हैं, सुबह उठते हैं और अपना संहिता पढ़ के ब्रीहण करते हैं, दिमाग का ब्रीहण करते हैं, उसके बाद में ओपीडी वगैरह संभालते हैं, घर फैमिली संभालते हैं, फिर शाम को भी लेक्चर में आ जाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, हर तरह से सुख की अभिलाषा में है। तो इसीलिए हमें आचार्यों ने क्या बताया है कि दिनचर्या बताया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। फिर उसके बाद में क्या बताया है कि शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच वृत्ति स्थिता, मतलब शरीर की चिंता छोड़ के सबसे पहले मल त्याग करो। और इसीलिए पहले के जमाने में क्या बोलते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओपन डिफिकेशन करना चाहिए, मतलब ओपन में मल त्याग करना चाहिए, वह गलत है, क्योंकि वह गंदा किया जाता है, वह एरिया को गंदा किया जाता है। मल जो रहता है वह कभी भी ओपन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उससे बीमारियां बनती हैं। ओपन में तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन ऐसा बताया गया है कि संहिताओं में कि उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके रेडी होके और हमें थोड़ा वॉकिंग करके आना चाहिए। वॉकिंग करके आए तो अच्छे से वो सिस्टम अच्छा रहता है और पेट अच्छे से साफ हो जाता है। जो लोग उठते उठते वॉशरूम में जाते हैं उनका पेट अच्छे एक बार में साफ नहीं होता, उनको 2-3 बार जाना पड़ता है, गर्म पानी पीना पड़ता है, चाय कॉफी पीना पड़ता है, ये सब करके तब उनको प्रेशर आता है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा घूम के, पहले के जमाने में लोग लोटा लेके जाते थे तो उनका 4-5 किलोमीटर ना वॉकिंग हो जाता था, और जब वो जाते थे तो उनका अच्छे से पेट साफ हो जाता था, पेट साफ होने से उनका मल पूरा शुद्ध हो जाता था, कोष्ठ शुद्धि हो जाती थी। वहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेत में जाके आप लोग शुरू कर दीजिए स्वस्थ रहने, तो ये बिल्कुल नहीं है। कम से कम हमारे पास अब वॉशरूम है, इंडियन वेस्टर्न सब है, कम से कम उठते उठते थोड़ा सा तैयार होके पानी ऐसे छिड़के मार के ये सब करके थोड़ा 4-5 किलोमीटर घूम के आ जाइए। तो फिर उससे क्या होगा, जब आएंगे तो पेट पे प्रेशर तैयार होगा, प्रेशर क्रिएट होगा और अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। ये मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे पेशेंट, मैं भी बोलता हूँ कि सुबह उठ के घूमना बहुत जरूरी है, मॉर्निंग वॉक जरूरी है, उससे क्या होगा कि मल त्याग होगा। इसी तरह से ये जो है हमारे आचार्यों ने दिनचर्या बताई है, ऋतुचर्या बताई है, उसी तरह से अग्नि का कॉन्सेप्ट बताया है और बहुत सारे मेडिसिन बताए हैं कि उनका इफेक्ट क्या मलों पे पड़ता है। जैसे दिनचर्या सुबह ठीक से उठे और दिन में नहीं सोए, रात को सोए, तो हमारा मल अच्छे से बनेगा, उसी तरह मल त्याग भी होगा और फिर धातु का परिपोषण अच्छे से होता रहेगा। अगर ऋतुचर्या पाला तो ऋतु के हिसाब से हम लोग आहार विहार का सेवन करेंगे, तो दोष धातु मल जो है यह तीनों जो चीज है यह बैलेंस स्टेज में रहेंगे, इसीलिए ऋतुचर्या बोला है। अग्नि का कॉन्सेप्ट क्यों बताया है कि अग्नि जितनी अच्छी रहेगी, जठराग्नि, फिर पंच धातु अग्नि और पंचभूताग्नि, ये जितनी अच्छी रहेगी उतना सार भाग अच्छा से बनेगा। शरीर का जो ये है, शरीर टिके रहना, शरीर इंद्र मन आत्मा इनका संयोग जो है वही धारी या आयु बोला जाता है, तो ये प्राकृत रूप से चलेगा। अगर यह नहीं ध्यान दिया गया तो विकृति आ जाएगी और प्राण जल्दी से चला जाएगा, इसीलिए ये बताया अग्नि का कॉन्सेप्ट है, अग्नि अच्छी रहना है, यही काय चिकित्सा है। इसी तरह से योग बताए, बहुत सारे मेडिसिन बताए हैं। योग का दो अर्थ है, एक योग का अर्थ है कि मानसिक
शुद्धि के लिए योग दर्शन के अष्टांग योग का पालन करना, उसका प्रयोग करने के लिए बताया है। और दूसरा योग, क्योंकि उसमें कैसे बताया कि अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य ईश्वर प्रणिधाना, मतलब यम नियम जो बताए हैं, वो शरीर को कैसे अच्छे से नियम में रखना है, क्योंकि हम गलत चीजों की तरफ ना चले जाए। गलत चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, निगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें जो रहती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा रहता है। तो इसलिए योग, और दूसरा योग का मतलब है कि मेडिसिन, इनके बारे में विचार किया गया है। और आहार घटक भी कैसा होना चाहिए, आयुर्वेद बोलता है कि षड रस आहार का ही सेवन करना चाहिए। एक रसात्मक जो रहता है वो बल हानि करता है, केवल मीठा मीठा खा के रहेंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, और केवल तिक्त रसात्मक खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा, अति सर्वत्र वर्जित। और छह रस बताए आयुर्वेद में, तो छह रस का आहार, सर्वरसाभ्याम बल करा, सभी रसों का आहार का सेवन करते हैं तो बल देता है। इसी तरह से मलों की अब सामान्य पुष्टि कैसे होती है, ये न्यूट्रिशन ऑफ मलास ये किस तरह से होती है, तो जो भी चीज का पोषण हो रहा है शरीर में तो आहार से ही होता है। हम जैसा खाएंगे उससे दोष बनेंगे, धातु बनेंगे और मल बनेगा। अगर मैंने बहुत ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाया, सैलेड खाया, रफेज खाया बहुत ज्यादा, तो मेरे पेट से ऐसा नहीं है कि सोना चांदी निकलेगा, जो खाया है वही फाइबर्स के रूप में निकलेगा, लेकिन वो कैसा रहता है कि मल वृद्धि कर रहता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो रहता है वह कुछ कुछ वेजिटेबल, पुदीना जैसे हैं वेजिटेबल, वो पित्त बढ़ाते हैं, कुछ कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं वो वायु को बढ़ाते हैं, कुछ कुछ मल को बढ़ाते हैं। इस तरह से हम लोग मल, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल को वर्ज्य बोला जाता है। हमें कोई भी ऐसा रफेज नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन फूड में सब चीज़ ऑलरेडी है जो हमारा पेट साफ रखता है। और सुबह उठना और जागना बैठना ये सब नियम किस लिए बताए, तो इसीलिए योग का वर्णन बताया। योग मतलब सम्यक योग होना, आत्मा इंद्रिय का ईश्वर में ध्यान रखना। अब वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो अल्लाह में ध्यान देंगे, जो सिख लोग हैं वो वाहेगुरु, परमात्मा को सिखिज्म में वाहेगुरु बोला है, तो उन पे ध्यान देंगे। उसी तरह से हिंदू हैं तो वह क्या करेंगे, देवी देवताओं पे ध्यान देंगे, ईश्वर जो एक पर ब्रह्म ईश्वर है उस पे उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैन लोग जैन मुनि की तरफ करेंगे, बौद्ध लोग हैं गौतम बुद्ध की तरफ ध्यान देंगे। इसीलिए ये योग बताया है कि आत्मा इंद्रिय मन इन सबको कंट्रोल में रखना है। और योग बाकी और बताए कि जो मेडिसिनल योग रहते हैं वह भी बताया। अब मलों की जो सामान्य पुष्टि होती है वह कैसे होती है, तो मनुष्य शरीर आहार से ही बना हुआ है। जिस तरह का हम आहार का सेवन करेंगे, पाचक अग्नि द्वारा योग्य पचन होगा, और भूताग्नि धात्वाग्नि लेवल से जाते हुए उनका स्थूल पचन से सूक्ष्म पचन होते हुए, फिर मल जो है, अन्न मल मतलब पुरुष मूत्र और धातुगत क्लेद है, वह तैयार होगा। और पाचन क्रिया करते टाइम पे प्रसाद भाग और किट भाग ये तो बनता है, और किट भाग जो बनता है उसी से मल जो है उसका पोषण होता है, जो मल हमारे शरीर में चाहिए शरीर को टिकाने के लिए। यह पुरुष धरा कला सैव अस्थि धरा कला, जो पुरुष धरा कला है वही अस्थि धरा कला है। अगर पुरुष धरा कला में विकृत है तो अस्थि धरा कला भी विकृत होगा। यह पित्त धरा कला सैव मज्जा धरा कला, जो पित्त धरा कला है वही मज्जा धरा कला है, मज्जा धरा कला है वही भी पित्त धरा कला है। यह बेसिक है। तो यहाँ पर बल कौन देता है, तो अस्थि धातु हमारे शरीर में बल देती है। अगर उसका पोषण कैसे होता है, तो पुरुषाशय से हो रहा है। यह अस्थि धरा कला सैव पुरुष धरा कला, पुरुष धरा कला से पोषण हो रहा होता है। इसीलिए मल का बैलेंस स्टेज में रहना बहुत जरूरी है, जहां जो व्याधि में चाहिए। अब ये इसका पोषण कैसे होता है, तो किट भाग से ही मल का पोषण होता है, और वह स्थिर रखा जाता है, शरीर और धातुओं में साम्यता किया जाता है। अगर मल क्षय हो जाता है तो व्याधि हो जाती है, मल वृद्धि हो जाए तो व्याधि हो जाती है, वह प्राकृत अवस्था में रहने से फायदा होता है। इसी तरह से मॉडर्न में भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो ये होता है एंजाइम्स की क्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं तो उसे सुक्रोज फ्रक्टोज और अलग अलग ग्लूकोज ये सब बनाया जाता है। अपने शरीर में भी वही मैकेनिज्म होता है। जब हम फैट्स खाते हैं, कोई भी मतलब घी तेल वगैरह खाते हैं, तो वह क्या बनता है, तो वह फैटी एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है। और इसी तरह से हम लोग ऐसे चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर को मतलब सार भाग प्रसाद चीज बना रहे हैं, और कुछ विकृत चीज बना रहे हैं वह विकृत। अभी ऐसे प्रोटीन मॉडर्न में देखा जाए तो वह प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड बनता है, और उसी से आगे जाके यूरिया ये सब बनता है। तो वह प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, यह मॉडर्न साइंस बताते हैं। हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं तो आचार्य चरक जी बोलते हैं कि मल द्रव्य जो शरीर के धातु साम्यता ये रहना बहुत जरूरी है, और उनका पूरी उनका जो पोषण है वो अन्न मल पुरुष
मूत्र और स्थूल, यह स्थूल रूप से करते रहते हैं। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, पुरुष नहीं निकल रहा है या पुरुष वेग का धारण किया तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उसी तरह से कुछ व्यसन आने लगते हैं कि लेट तक सोना, फिर बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। सुश्रुत निदान स्थान में बताया कि पक्वाधान नले हो अपान काले कर्षति चाप्यधा, मतलब मल विसर्जन जी जो कि क्रिया है वह एक तरह से नर्वस स्टिमुलेशन होता है, ब्रेन से जाता है नीचे के प्लेक्सेस में और स्टिमुलेशन होता है। कोई भी इंसान जाग जाता है सुबह तो स्टिमुलेशन मिलता है, अगर वह लेट तक सोएगा तो वो स्टिमुलेशन नहीं जा पाएगा उतना, क्योंकि पूरा मल भरा हुआ है तो रास्ता को वो ब्लॉक करता है, जो नर्वस कंडक्शन है उसको ब्लॉक करता है और मल में शुष्कता उत्पन्न होकर उसका जो स्वरूप है वह बदल जाता है और मलाशय में ही रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो प्रसन्न फ्रेश फीलिंग नहीं होती है और चिड़चिड़ बहुत ज्यादा हो रहा होता है, भूख नहीं लगती है, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं क्योंकि वह मल का स्टिमुलेशन नहीं मिला है, मल संचित हो गया है बहुत ज्यादा। अगर हम अर्श व्याधि देखेंगे तो उसमें क्या बताया कि अर्श व्याधि में अग्नि मानदत मल संचयात, मतलब अग्नि मानदे रहता है और मल की संचिति रहती है। उदर रोग में भी देखेंगे टीका में ऐसे बताया कि उदर रोग में भी अग्नि मानदत उदर मल संचयात ऐसा बताया। तो ये बड़ी बड़ी जो बीमारी है उसमें मल की संचिति होती है, तो इसके वजह से अग्निमान्द होगा, अरुचि होगा, पांडुता होगा, खून की कमी होने लगती है। उसी तरह से अगर रक्त की क्षारीयता अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो क्षारीयता अगर कम हो जाता है और अम्लता बढ़ जाती है, अम्लता जो है वो विकृत है, यहाँ पर रक्त का विकृत है मतलब मल स्वरूप है, अगर वो नहीं निकल पा रहे तो एसिडोसिस होने लगता है। अगर बहुत ज्यादा मधुमेह में बहुत ज्यादा क्लेद बन जाता है, जो क्लेद निकल जाना चाहिए, क्लेद रूपी जो मल रहता है और उसके वजह से प्रमेह व्याधि हो जाती है। तो इसलिए आविल मूत्रता बहुमूत्रता। दूसरा आपने ये आचार्य बोलते हैं कि हमारे शरीर में इतने सारे स्रोतस हैं जिन पे विचार करें, जैसे स्तन्य स्रोतस है, उसके बाद में अलग अलग बताए हैं कि जैसे पोटेशियम का भी स्रोतस है, एंडोक्राइन सिस्टम का भी है, उस जमाने में थायराइड का सिक्रीशन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, ये सबके भी स्रोतस हैं पूरे शरीर में। अगर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, स्रोतोरोध होता है, अति प्रवृत्ति संज्ञा नाम शिराणाम ग्रंथों अपि वाच, ये जो बताए उसमें अगर विकृति आती है तो हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हम लोग को दिखने को मिलता है। तो इसीलिए मल का निकलना बहुत जरूरी है। अगर मल शरीर में रहे तो कॉलेमिया नाम का व्याधि होती है, रक्त स्त्राव होता है नाक से, कान से, आंख से, रक्तपित्त व्याधि में वो बीमारी होने लगती है, इसलिए मल का निकलना बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद का जो बेस है पंचकर्मा, वो बताया है कि हमें वमन से कफ को निकालना है, विरेचन से दूषित पित्त मल रूपी पित्त को निकालना है और मल रूपी वायु को निकालना है, तो बस्ती का प्रयोग करना है, उसमें नीरु और अनुवासन दिया है। ये क्यों, मल रूपी मल को निकालने के लिए पंचकर्म है, शिरो विरेचन नाक में रहने के लिए, वहां से स्रोतोरोध को दूर करने के लिए शिरो विरेचन करते हैं और दूषित रक्त को निकालने के लिए रक्त मोक्षण करते हैं। यह सब इसीलिए पंचकर्म बनाए हैं कि मल की साफ सफाई होती रहे, शरीर शुद्ध होता रहे। अगर हम लोग काम करते करते कुछ शरीर में बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह हो गया, धूल में गए, तो हम लोग क्या करते हैं, घर आके स्नान करते हैं, ताकि स्नान करते हैं साबुन लगा के रगड़ के सारा कचरा निकालते हैं। इसी तरह से मल का निकलना बहुत जरूरी है, अगर नहीं निकल रहा है तो हम पंचकर्म थेरेपिस्ट देके स्नेहन स्वेदन करके फिर दोषों को उत्क्लेशित करके शुद्ध करते हैं, जिस तरह से नहाया जाता है उस तरह से अंदर से शरीर को क्लींजिंग किया जाता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है, यह हमारा प्रोसेस है। अब इसी तरह से अपने ग्रंथकार क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं कि इनका भी बहुत रोल है कि मल की वृद्धि और क्षय होना, मल ज्यादा बढ़ जाए तो व्याधि उत्पन्न होगा, मल अगर क्षय हो जाए तो व्याधि होगा। तो मल में बता रहे हैं कि विट वृद्धि आना, विट वृद्धि जानाती अतिसार क्रियाया, मतलब जब मल रूपी मल बहुत ज्यादा जमा हो जाता है और उसमें द्रवता मिल जाती है, आप धातु जो है वह अपने स्व कारणों से प्रकुपित होके वह मलाशय में चले जाते हैं और अतिसार अतिसरणम अति द्रव मल प्रवृत्ति करने लगती है, उसमें मल की भी उत्पत्ति होती है। उसकी चिकित्सा अतिसार की चिकित्सा की तरह करने से जो विट वृद्धि है उसको रोका जा सकता है। इसी तरह से विट क्षय, पुरुष का क्षय जब होता है तो क्या होता है कि उससे अंदर ही अंदर ना मल ही नहीं बनता है, अच्छे से धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मजदूर वर्ग जो है ना वह क्या करता है कि बकरा जो होता है उसका इंटेस्टाइन को पका के खाते हैं, ऐसा ग्रंथकार भी बोलते हैं कि मेषयोर मध्यम मेषाजयो मध्यम, मेष मतलब बकरा
उसका या शिप जो रहता है उसका पेट का इंटेस्टाइन का वो खाना है, तो उससे मल अच्छे से साफ होता है। तो बहुत सारे मजदूर वर्ग है ना, वो लोग ये चीज़ खाते हैं, इंटेस्टाइन का अंदर का भाग खा लेते हैं, क्योंकि वो फिल्टर होता है और वो मल से, सामान्य विषय सिद्धांत से, मलाशय को अगर खाएंगे पका के तो उससे मलाशय को ही बल मिलेगा और मल प्रवृत्ति सम्यक होने लगती है। इसी तरह से मल को बढ़ाने के लिए, जो वित क्षय हुआ है उसमें मल को बढ़ाने के लिए उड़ीद खाने के लिए बोला है, माश और राजमाश यह खाने के लिए बोला है, और जिसका मल क्षय हुआ है, मल अच्छे से नहीं बन रहे, उनके लिए माश के, क्योंकि मल की वो वृद्धि करता है, मल को प्राकृत अवस्था में लाता है। इसी तरह से मूत्र वृद्धि जब हो जाती है तो उससे क्या होती है, प्रमेह प्रमेह व्याधि में आप लोगों ने देखा है, हस्ती में हाथी की तरह मूत्र त्याग कर रहा है, शनैर में मतलब थोड़ा थोड़ा रुक के मूत्र त्याग कर रहा है, ये क्यों होता है, मूत्र की वृद्धि की वजह से होता है, मूत्र ज्यादा बनता है शरीर में और वह व्याधि स्वरूप हो जाता है। मूत्र की वृद्धि में, वो बनने में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कफज प्रमेह के सारे सिम्टम होते हैं कि सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, आलाल में, ये सब बताए हैं। एक तो हस्ती में बताया, वो एकदम क्लासिकल है कि मूत्र की वृद्धि हो जाती है, हाथी की तरह बहुत ज्यादा ये मूत्र त्याग होता है। आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, गंदा यूरिन आना और बहुमूत्रता, ये टिपिकल सिम्टम है प्रमेह का। अब जो मूत्र क्षय हो जाता है तो हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट आते हैं, मूत्र कृच्छता, मूत्राघात के आते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर के आते हैं, यह सब मूत्र क्षय होते हैं, मूत्र की उत्पत्ति ही नहीं हो रही होती है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि मूत्र की उत्पत्ति हो, इसलिए मूत्रल दवाइयाँ हम लोग देते हैं या मूत्र विरेचनीय दवाइयाँ देते हैं। इसका क्या महत्व क्या है कि मूत्र की उत्पत्ति प्राकृत रूप से रहे, इसलिए चरक सूत्र स्थान में ऐसा बताया है चौथा अध्याय में कि पुरुष विरंजनीय गण, पुरुष जनन गण, ये बता दिया है, और मूत्र के बारे में मूत्र विरंजनीय गण, मूत्र विरेचनीय गण ऐसा बताया है, और स्वेदवा के लिए इन्होंने बोल दिया स्वेद जनन, कुछ अलग अलग गण औषधियां बताई, वो आरग्वद अध्याय में बता दिया कि वैसा उद्वर्तन करो तो स्वेद रोम को खुल जाएंगे, पसीना अच्छे से आने लगेगा, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। अगर स्वेद की अति प्रवृत्ति होती है, हाथ पैर में बहुत ज्यादा पानी पानी हो जाता है, तो वह एक तरह से विकृति ही है। कभी कभी प्रमेह में ऐसा निकलता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है तो उनकी टेंडेंसी होती है कि पसीना बहुत ज्यादा आता है, उसी तरह से स्वेद क्षय हो जाता है। तो उसमें स्वेद क्षय अगर हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि आप ना ये कुष्ठ का पूर्वरूप रहता है स्वेद का क्षय होना, क्योंकि स्वेद क्षय से स्किन को नरिशमेंट नहीं मिलेगा और वहां ऐसी संप्राप्ति बनेगी कि कुष्ठ व्याधि कर देगा, स्किन डिसऑर्डर्स कर देंगे। तो स्वेद क्षय में हम लोग व्यायाम बोलते हैं, जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना रोमकूप खुलेंगे और जो स्वेट ग्लैंड है वो जागृत हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से, वह चिकित्सा बताया, व्यायाम ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताया स्वेद क्षय में, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। उसके बाद में अगर हम लोग वाग्भट देखते हैं तो दोषादि विज्ञान 11 चैप्टर है, उसमें मल और मलायतन, जो मलायतन मल के जो आश्रय स्थान है उनके बारे में बहुत अच्छे से बताए, ऐसे बोल रहे हैं कि दोषा दुष्टा रसे धातुन दुष्यंत उभय मलान, मतलब ये दोष दुष्ट होके मल को और धातुओं को, रस आदि धातुओं को दूषित करते हैं। अगर दोष दूषित हो गए, मतलब वात पित्त कफ दूषित हुए तो धातुओं को दूषित करेंगे और मलों को दूषित करेंगे। उसके बाद में मलायतन बता रहे हैं कि मल कहाँ से निकलता है, निकलने वाला जो आउटलेट है मल का वह क्या क्या है, तो अधोद्वय नीचे मूत्र मार्ग और पुरुष एनस जो है रेक्टम है वह है अधोद्वय, दो रास्ते हैं, सप्तशिरसी, दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुंह, ये सात जो स्थान है यह मल को निकलने के वाला है। मुंह से भी बहुत ज्यादा क्लेदर कफ निकलता है, थूक निकलता है, कान से अगर देखेंगे तो खमल निकलता है, नाक से कुछ लोग को आदत रहती है, वो हमारे इसमें सद्वृत्त में बताया है कि नाक को कुरेदे मत, दिन भर नाक में उंगली डाल के मत रखे, लेकिन मतलब मुझे यहाँ पर यह बताना है, वो तो सद्वृत्त का बात हो गया, यहाँ पर यह बताना है कि नाक से मल निकल रहा है वो रास्ता है, आंख से मल निकलता है, मुंह से निकलता है, तो ये सप्त शिरसी बताए। फिर खानी स्वेदवाहनी, पूरा शरीर में रोमकूप है वो स्वेदवा को निकालने वाला सारा रास्ता है, छोटे छोटे जो कैप ये रोमकूप है वहां से पसीना आता है। मला मलाय नानी सिर यथासम तेश्वतो गदा, ये मल के मलायतन है, इनका प्राकृत रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा व्याधि हो जाता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि मलायनेशु दुष्टेशु यथास्वम गदाहा रोगा, मतलब मलायतन अगर दूषित हो गए तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी व्याधियां होती है। हम लोग जैसे देखते हैं कि स्तन्य अगर क्षय हो जाता है,
तो उस क्योंकि उपधातु है, रस धातु का उपधातु है, उसका अगर क्षय हो जाता है तो माता अपना दूध बच्चे को नहीं पिला पाती, स्तन्य की वृद्धि होती है तो भी वह बहुत ज्यादा विकृति हो रहती है। तो मतलब जो उपधातु है उनका भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, और उनके भी मल निकलते हैं, मल रूपी निकलते हैं, लेकिन वह इतने सूक्ष्म रहते हैं और वह नॉर्मल मलाशय में जाके ही वह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसी तरह से बताए हैं कि पित्तम त्वचि स्थितम कुर्यात विस्फोटक मसूरिका, अगर मल रूपी पित्त, जो मैंने बताया कि रक्त धातु का मल क्या है, तो मल रूपी पित्त है, अगर वो एक्यूमुलेट हुआ तो हम लोग इसलिए रक्त मोक्षण करके दूषित रक्त निकालते हैं, अगर नहीं निकाला गया तो वह क्या करेगा कि कुर्याद विस्फोट मसूरिका, विस्फोट जैसे छोटे छोटे ऐसे दाने दाने रैशेस आ जाते हैं, और मसूरिका जैसे व्याधि होती है। रक्त विसर्पम दाहम चा मासे मासो कोथनम, मतलब रक्त अगर रहेगा दूषित, रक्तगत जो मल है, मल रूपी पित्त है, वो अगर रहेगा तो विसर्प व्याधि कर देगा, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा कर देगा। अगर मांस धातु का जो खमल है वो एक्युमुलेट होगा तो पाक करेगा, कोथ करेगा, और ये रक्त का भी जो दुष्टि जो मल है वो रहेगा तो मांस का पाक करेगा, मांस में कोथन मतलब बहुत ज्यादा इंफ्लेमेटरी चेंजेस कर देगा। और दूसरा बता रहे हैं कि सदाहन मेदसी ग्रंथिन स्वेद्यात वमनम त्रिशम, यह मेद धातु में भी जाएगा, जो पित्त है वहां पे दाह उत्पन्न कर देगा, ग्रंथियों को उत्पन्न कर देगा, बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि मल का निकलना बहुत जरूरी है, और मन का भी मल जो रहता है, मन का मल कौन सा है, तो इच्छा द्वेष क्रोध लोभ, बहुत सारे लोगों ना हेट्रेड रहता है किसी चीज से, जैसे हिंदू लोगों को ना बहुत ज्यादा हेट्रेड रहता है मुस्लिम लोगों के लिए, ब्राह्मण लोग हैं उनको हेट्रेड रहता है कि दूसरी जाति वाले हैं उनसे हेट्रेड रहता है, ये मन के मल होते हैं, यह जब तक साफ नहीं होगा। अपने आचार्यों ने अपने भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है कि आप स्थित प्रज्ञ बनिए, मन को साफ करिए, मन का साफ मतलब कलुषिता, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति लोभ है, किसी के प्रति क्रोध है, मन साफ करिए, मल मन का भी मल को निकालना बहुत जरूरी है, और वह नहीं निकलेगा तो बहुत ज्यादा व्याधि हो जाता है, और फिर साइकोसोमेटिक डिजीज होके माइंड का इफेक्ट शरीर पे पड़ता है, ये आप लोगों को सब मालूम है जो भी मैंने बताया। और मज्जा का जो मल है वह भी निकलना चाहिए, अगर वह नहीं निकलेगा तो स्नेहांश अगर नहीं निकलेगा स्किन खराब हो जाएगा। आगे जो बताना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैंने मल पे कुछ कुछ बताने का कोशिश किया, और हमें चिकित्सा भी करना है तो हम केवल पुरुष विरंजनीय गण, पुरुष विरेचनीय गण, पुरुष संग्रहणीय गण, फिर मूत्र विरेचनीय गण, मूत्र विरंजनीय गण, स्वेद जनन गण, ये सब का जब हम लोग स्वेद जनन गण नहीं है, स्वेद का प्रवृत्ति करने के लिए बहुत सारे उद्वर्तन वगैरह बताएं, तो ऐसे जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी मैं आप लोगों के प्रश्न उत्तर है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। अपने तरफ से मैंने फिजियोलॉजी यह बताने का कोशिश किया, और पैथोलॉजी भी कुछ कुछ बताने का कोशिश किया, एक लेक्चर में नहीं होगा, इसके लिए मुझे और भी लेक्चर लेना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों के प्रश्न उत्तर का प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो कृपया पूछिए। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वरुण शाह जी बहुत बढ़िया मल के विषय में लेक्चर दिया, थैंक यू जी आपने। अब क्या है कि हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं तो शारीरिक क्रिया का एक टीचर पढ़ाएगा और एक प्रैक्टिशनर पढ़ाएगा, उसमें बहुत अंतर रहता है। एक मिनट, ये थोड़ा ये हो रहा है, हैंग हो रहा है, एक मिनट रुकिए। हम लोग ना मल के विकृति से क्या क्या और व्याधियां होती हैं इस पर मैं एक और लेक्चर लूंगा तो मैं और आपको बता दूंगा। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, आप लोग पे मुझे इतना प्राउड फील होता है ना कि आप लोग ही तो इतने अच्छे हैं कि मुझे इतना मन करता है कि मैं आप लोगों से अपना सारा नॉलेज शेयर करूं। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रंजीता कश्यप जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप कश्यप मुनि की बेटी हैं अब समझ आया, इसलिए आपका नाम है रंजीता कश्यप। रूपल अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि यदि कान नाक में अधिक मलाता है तो वह प्रमेह का पूर्व रूप है। रूपल जी, प्रमेह व्याधि में नाक और कान में मल आता है तो हमें प्रमेह की तरफ व्याधि जा रही है कि नहीं वो देखना चाहिए। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मैथिली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे इतना प्राउड फील होता है आप लोगों पे क्योंकि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काम से ही इंसान को जाना जाता है।
डॉक्टर रमेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अविनाश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रंजीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं एक मिनट सभी का जो मैसेज है वो एक बार देख लेता हूँ, किसने कोई प्रश्न पूछा है तो उत्तर देता हूँ। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग के और भी कोई क्वेश्चन है तो कृपया पूछ सकते हैं आप लोग। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं मूत्र विरंजनीय गण कैसे यूज करें। मूत्र विरंजनीय गण जो है ना, मूत्र का कलर अच्छा रहता है, जैसे प्रमेह व्याधि है उसमें मंजिष्ठ में होता है, रक्त में होता है, तो उसमें दिया जाता है। आंखों में ज्यादा मल है तो क्या करना चाहिए, हमें कहीं पर भी मल ज्यादा बन रहा है तो वो या तो प्रमेह का पूर्वरूप रहेगा। अगर वो मल ज्यादा बन रहा है, प्रमेह का पूर्वरूप नहीं है, तो हमें शोधन देना है, हमें वमन देना है, विरेचन देना है और बस्ती देना है। हम ये सब क्यों है, क्योंकि मेन मल का आशय कौन सा है, तो पुरी शाश है, वहां से हमने कचरा निकाल दिया तो दूसरे जगह का जो है वह भी निकल जाएगा, वो वहां से वॉश आउट हो जाएगा, इसलिए शोधन करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर विनोद जैन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। इनका दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, ये होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे नहीं करेंगे तो ये एक दृष्टिकोण है कि हमें मलों पे भी कार्य करना ही चाहिए, मलों को ध्यान रख के ही करना चाहिए। डॉक्टर विन्यासा जी बोल रहे हैं कि पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ लॉट ऑफ स्वेट इन हस्त एंड पाद, इसमें फिर क्या करना है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो पसीना रोकने के लिए मेदो धातु पे हमें काम करना है, मेद धातु को बैलेंस करने का काम करना है, और दूसरा उशीर और सारीवा इसका फांट बना के देना है, तो इससे जो अति स्वेद प्रवृत्ति है वो ठीक हो जाता है। और अति स्वेद प्रवृत्ति है तो प्रमेह का भी चिकित्सा देने से फायदा होता है, प्रमेह के जो काढ़े बताए हैं चरक में वह देने से फायदा होता है। और आप लोग के कोई प्रश्न है तो कृपया पूछिए, मैं इस पे और एक लेक्चर लूंगा तो मैं और आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि टाइम हो रहा है, हमें इंटरेक्टिव सेशन भी करना है, एक ही लेक्चर में इतने बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह नहीं कवर हो सकते हैं, हमें तो और भी टाइम चाहिए और डिस्कस करना है। और हम लोग ये कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे शास्त्रों को, तो हम लोग का क्या है नॉलेज जो है वह अपग्रेड होते रहेगा। आप लोग भी अपने अनुभव बताइएगा, ठीक है। डॉक्टर निर्मल जी बोल रहे हैं मल मूत्र की परीक्षा से रोग का कैसे पता करें। हम लोग करते ही है ना अष्टविध परीक्षा, जो योग रत्नाकर में बताया है, मल और मूत्र की परीक्षा बताया है, नाड़ी मल मूत्र जिह्वा ये सब की परीक्षा बताया, 8 प्रकार के परीक्षा बताए। अभी मुझे जाने दीजिए, मैं अच्छे से और बताऊंगा। मूत्र की परीक्षा है वो प्रमेह व्याधियों में बताया है, मल की परीक्षा से हमें अतिसार है क्या, ग्रहणी रोग जो रहते हैं उसमें क्या बताया, ग्रहणी रोग में बताया है कि मुहूर्त बद्धम मुहूर्त द्रवम, अतिसार में क्या बताया है कि अति द्रवम मल प्रवृत्ति। उसके बाद में प्रवाहिका में बोलते हैं कृत्यापिकृत्य संज्ञताम, और बहुत ज्यादा कफ स्यान कफ निकलता है, उसी तरह से अलसक विसूचिका, ये सब मल के विकृति के वजह से ही सारी व्याधियां होती हैं। हर व्याधि में दोष धातु और मल इनको देखना बहुत जरूरी है, और हमें मल पे भी चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। तो मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ, 8 बजे फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी को। दुर्गा कुमार कन्वर राठौड़ जी बोले पीसीओडी के लिए क्या यूज करें, पीसीओडी के लिए आप चंद्र पप्पा करिए, कांचनार गुगुल करिए, द्रव्याद रस करिए, आरोग्यवर्धिनी करिए, कुबेराक्ष वट्टी करिए, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अब मैं जाता हूँ, मेरा नंबर दिया है, किसी को कुछ डाउट है तो मुझे फोन कर सकते हैं। प्रणाम सभी को।